हैवानियत है ये हेवानियत और बरबरीत क्या हमने एटी नाइन नाइन्टी में नहीं देखी क्या हमने वो एक दौर नहीं देखा कि जब ये कहा जाता था जो बुरका ना पहने उस पर तेज़ाब फेंको क्या हमने वो दौर नहीं देखा कि जब औरतों को कहा गया हमारी माओ बहनों को मेटेडोर में नहीं बस में नहीं जा सकती हम तो पले बड़े उस एक जंग के माहौल में वो तो हमने देखा है बट इवेंचुअली सोसाइटी केम बैक टू इट्स ओन बेरिंग्स एंड आर बेरिंग्स आर इंक्लूसिव आर बेरिंग्स you know inclusive uh, तो ये चैलेंज है वक्तन चैलेंज है इसके साथ भी लड़ेंगे फिर तो कभी नहीं लगता हम तालिबनाइजेशन की तरफ जा सकेंगे चैलेंज ऑफ रेडिकलिजम है अगर कोई ये कहता है कि नहीं थे दस साल पहले भी थे बीस साल पहले भी थे द रज़ ऑफ रेडिकल थाट इज़ नॉट अ न्यू फिनल बट आई डाउट इट हैज़ एनी फेवरेबल यू नो ट इकोसिस्टम इन कश्मीर इट इज अ चैलेंज इट इज अ चैलेंज नॉट जस्ट इन आर रिलिजन नॉट जस्ट इन आर कम्युनिटी चैलेंज एक प्रॉब्लम है कि हम रेडिकलेशन और कम्युनलिजम को उसका सनानम तालिबनाइजेशन बना चुके हैं इस्लामाइजेशन बना चुके हैं कम्युनालिजम एंड रेडिकलेशन एगजिस्ट इन एवरी रिलिजन एंड कम्युनिटी इट इज़ अ चैलेंज टू बी फेस्ड बाई ऑल कम्युनिटीज एंड ऑल इको uh, सिस्टम्स मुझे लगता है खासकर जो हमारी सिंक्रेटिक एक कल्चर और सोसाइटी है एक सेक्युलर कल्चर और सोसाइटी कश्मीर का जो है वी हैव प्रूव्ड इट्स डिटर्मिनेशन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स वी डिड नॉट लेट द फैन ऑफ कम्युनलिज्मीन फोर्टी सेवन सिमिलरली आई डोंट थिंक वी विल अलाउ रेडिकलाइजेशन इन रेडिकल वॉइस टू सक्सीड